कोविड के टाइम पे शूटिंग और गाना भी गुलशन जी का चल रहा था पीछे। एक्चुअली वो गुलशन जी का बड़ा हिट सॉन्ग है, मैं बालक तू माता, और हमने कोविड टाइम पे, जुबिन का सॉन्ग है वो, और हमने कोविड के टाइम पे शूट किया था और हॉस्पिटल में शॉट था, तो मास्क पहन के शूट किया था। और आपने जैसे सबने देखा वो शॉट में भी हम मास्क पहने हुए हैं, तो बहुत अच्छा सॉन्ग था, काफ़ी हिट हुआ। एंड अभी वो रीपोस्ट किया था मैंने, इसलिए वापस से वायरल हुआ। एंड सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने कोविड में भी शूट किया, तो यस कोविड था, पर फिर भी छोटी सी टीम में भी हमने इतना अच्छा सॉन्ग शूट किया था एंड सॉन्ग को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। लास्ट सॉन्ग भी काफी अच्छा गाया था जी आपका। जी अभी आने वाले समय में लोग पूछ रहे कि क्या नया यस सॉन्ग आ रहा अभी है। कुछ नया उसके लिए बाहर जा रही हूँ मैं शूट करने, बहुत स्पेशल, और ये मेरा बर्थडे वीक है तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आज एडवांस बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया ऑलरेडी, बिकॉज बर्थडे वीक है, तो इस बार एक स्पेशल पार्टी हो रही है मेरे बर्थडे पे एंड ऑब्वियसली आप लोग सब इन्वाइटेड है, तो वो एक स्पेशल प्लान है जो मैं बस 2 दिन में अनाउंस कर दूंगी, और वो मेरा स्पेशल प्लान बर्थडे के लिए। हाल ही में आपने एक शो भी जीता था जी, एंड लोग चाहते हैं कि आप बिग बॉस वो सब भी एक्सप्लोर करें, क्योंकि वो सब भी जीत सकते हो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बिग बॉस आने वाला है अभी, देखिए लाइफ में लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट यस मुझे भी लगता है एक रियलिटी शो करने के बाद मजा तो बहुत आया, तो यस लेट्स सी व्हाट्स देयर इन माय बैग। एंड झलक दिखला जा कितना फॉलो कर पा रहे हो? झलक दिखला जा आई थिंक आ ही इतने टाइम बाद रहा है, तो मैं डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, और इस बार बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेस्टेंट्स हैं, तो रुबीना है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे फेवरेट हैं, निया है, तो बहुत अच्छे ऑलरेडी इतने अच्छे सेलिब्रिटीज, इतने अच्छे डांसर्स हैं, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर झलक दिखला जा। खतरों के खिलाड़ी तो अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ, तो आई एम जस्ट वेटिंग, हाँ स्टार्ट तो हो चुका है, मैं बोल रही हूँ अनाउंसमेंट विनर कौन है, मैं इसका आप किसको देख रहे हो विनर? मैं चाहती हूँ फैजू या रुबीना में से कोई जीतना चाहिए, बिकॉज ये मेरे फेवरेट्स हैं।